शाओमी का पोको F2। अब हम में से यार कई सारे लोग इस फ़ोन का वेट कर रहे हैं, और यार वेट करने का रीज़न भी यार वाजी भी है, क्योंकि हमें एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो हमें स्नैपड्रैगन 855 के मज़े दे, वो भी बिल्कुल बजट प्राइसिंग के अंदर, यानी कि 25 या 20,000 के बीच में। तो यार इसी के बारे में बात करेंगे, और एक नया नाम और सामने आया है, और जिसकी लीक काफ़ी पहले से आ रही है, रेडमी का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pro 2। दोनों को दोस्तों देखेंगे कि यार दोनों में से दोनों फ़ोन कब तक आएंगे, कब तक लॉन्च होंगे, क्या यार इन दोनों में से एक फ़ोन का हमें बलिदान देना पड़ेगा। वीडियो बिल्कुल दोस्तों जेन्युइन होने वाली है, 100% मैं आपको सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। जब फ़ोन लॉन्च हो दोस्तों, जब बिल्कुल कन्फर्मेशन लीक आए, तब इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लें, इससे सारी बातें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, पोको F2 के बारे में बात करने से पहले हम पोको के बारे में बात कर लेते हैं। Xiaomi का दोस्तों एक सब ब्रांड है जो कि यार फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन बनाता है, उनसे काफ़ी कम प्राइसिंग में, जैसा कि हमें पोको F1 देखने को मिला था, और ये हमें देखने को मिला था साल के एंड में। तो इस बात से दोस्तों आप ये भी मान लीजिए, जब पोको F1 इंडिया में आया था, तब इंडिया में यार काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन थे जो आपको स्नैपड्रैगन 845 की फ्लैगशिप चिप के साथ देखने को मिल गए थे। तो ये काफ़ी लेट आया था, जिससे इसकी डिमांड थोड़ी सी कम थी, स्नैपड्रैगन 845 कम हो गई थी, क्योंकि सारी कंपनियों से लगभग अपने फ्लैगशिप फ़ोन उतार दिए थे, उसके बाद आया था पोको F1। तो आप पोको F2 से बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट मत करें कि आपको 1 या 2 महीनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोज़ बन रही हैं, बड़े बड़े चैनल बता रहे हैं कि ये आ गया, लेकिन गारंटी है दोस्तों 2 या 3 महीनों से पहले आपको ये फोन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इसका आप वेट कर रहे हैं तो भैया लंबा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट में आए स्नैपड्रैगन 855 का कोई फोन अवेलेबल है ही नहीं। जब तक वो फोन नहीं आएंगे, थोड़े पुराने नहीं होंगे, ये चिपसेट की थोड़ी सी डिमांड कम होगी, सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन आ जाएंगे, उसके बाद दोस्तों रेडमी या आप कह सकते हैं Xiaomi यूज़ करेगी इस चिपसेट का, जो कि उनको कम प्राइसिंग मिलेगा, तभी दोस्तों वो बजट में आपको ये चिपसेट दे पाएंगी। तो इससे दोस्तों ये साबित होता है कि पोको F2 लॉन्च होने में अभी काफ़ी समय बाकी है। अब दूसरी एक लीक निकल कर आई है कि Redmi Pro 2, यानी कि Redmi का भी एक फ्लैगशिप फ़ोन आ रहा है स्नैपड्रैगन 855 के साथ। इसके स्पेक में आपको बता दूं कि आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, और 48 मेगापिक्सल का भी आपको कैमरा देखने को मिलने वाला है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है आपको, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, 4000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, ग्लास बॉडी मिलती है। तो दोस्तों स्पेक को देखकर लगता है कि ये एक बिल्कुल खतरनाक स्मार्टफोन होगा, और इसकी प्राइसिंग दोस्तों बताई जा रही है कि 25,000 के अंदर आने वाला है। तो यार एक बात दोस्तों मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, पोको और रेडमी प्रो 2 दोनों कभी भी एक साथ लॉन्च नहीं होंगे, यानी कि दोनों एक ही सेगमेंट में एक ही कंपनी के दो फ़ोन कभी भी नहीं भिड़ते हैं। तो आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए, और इस बात को कन्फर्मेशन मान लीजिए कि या तो पोको F2 आएगा या रेडमी प्रो 2 आएगा, या तो दोस्तों ऐसा ही है कि यार गंगाधरी शक्तिमान है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि यार जो Redmi Pro 2 है वो शायद चाइना में लॉन्च हो सकता है, लेकिन जब इंडिया में आएगा तो उसके ब्रांडिंग को पोको कर दिया जाएगा, यानी कि वो पोको ब्रांडिंग के अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है ना, तब ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि यार किसी भी कंपनी के लिए और हमारे लिए एक ऐसी सही चीज़ नहीं है कि यार एक ब्रांड बन जाए अलग से पोको, वो एक फ़ोन निकाले, फ़ोन हो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, और दोबारा वो फ़ोन निकाले नहीं, यानी कि कंपनी बंद हो जाए। तो यार मेरे हिसाब से ऐसा ब्रांड के साथ करना गलत बात होगी, Xiaomi भी इस बात को जानती है। या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि Redmi एक ऐसा फ़ोन बना रही हो जिसकी प्राइसिंग थोड़ी सी आपको हाई मिले, जो कम्पीट करे या कम से कम 30 या 35,000 के अंदर, और जो ये पोको हो इसके साथ ऐसा फ़ोन आए जो कम्पीट करे 20 या 25,000 के अंदर। तो ये बिल्कुल सही बात होगी, लेकिन ऐसा भी होता है तब भी यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग फिर Redmi के पास क्यों जाएंगे जब उनको ऐसे फीचर कम बजट में मिलेंगे। तो ये बात तय हो गई है कि एक ही फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से Redmi नहीं आना चाहिए, क्योंकि Redmi आएगा तो यार फिर मेरे हिसाब से ये इनकी एक कंपनी की ख़राब स्ट्रेटेजी साबित होगी, क्योंकि Redmi के साथ यार ऐसे फिर दो ब्रांड एक ही सेगमेंट में कैसे फिर फाइट करेंगे, और एक ब्रांड तो कम से कम ख़त्म होना ही है, ये बात तो निश्चित है। और लगता है कि यार पोको ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वीडियो से दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको एक ही फ़ोन देखने को मिलने वाला है इंडिया में। उम्मीद कीजिए ऐसा हो कि यार Redmi Pro 2 हो चाइना में लॉन्च, लेकिन इंडिया में आए पोको की ब्रांडिंग के साथ। ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों यार काफ़ी एक सही चीज़ नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पोको का एक इंडिविजुअली यार ब्रांड नाम बन चुका है, और उसको ऐसे बंद करना मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं होगी। तो यार आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में कि पोको F2 आपको ज़्यादा पसंद लाएगा या Redmi का Pro 2, तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को यार ये न्यूज़ मिल सके। पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।